दोस्तों, ये एक गेमिंग माउस है और आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये बेस्ट बजट गेमिंग माउस है, इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। आगे वीडियो में हम प्राइस के बारे में बताएंगे और कितना डिस्काउंट में ये माउस आपको मिल सकता है उसके बारे में बताएंगे। साथ में ये माउस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। इस वीडियो में इस माउस का गिव अवे भी किया जाएगा और गिव अवे हम एक रैंडमली चूज़ करेंगे कॉमेंट्स के ऊपर। तो कमेंट्स जरूर करें वीडियो में और इसका फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी ये जो माउस है, ये माउस रिचार्जेबल माउस है जिसमें 600 मिली एम्पीयर का बैटरी लगा हुआ है और यूएसबी से ये चार्ज होता है। आप चाहें तो मोबाइल चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जानते हैं इस माउस में और क्या है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट्स ज़रूर करें ताकि ये विनर आप भी बन सके। और आगे जानते हैं वीडियो में इस माउस में नया क्या है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स इसमें दिया गया है। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्समेट का ज़ीरो प्रो माउस, जो कि गेमिंग माउस है, उसका बॉक्स पैक रखा हुआ है। बॉक्स पैक देखने में कुछ इस तरह का है। फ्रंट में माउस का जो पिक्चर से वो आपको मिलता है देखने को, और उसके साथ ही एक एडाप्टर का भी पिक्चर इसमें दिया गया है, यानी कि ये वाईफाई माउस है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये डोंगल जो दिख रहा है इसमें, वो पीसी के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद आप माउस को यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले इस बॉक्स का ओवरव्यू जानेंगे, उसके बाद हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बॉक्स के रियर पोर्शन में कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह का है। माउस टाइप जो है वो है वायरलेस। ट्रांसमिशन रेंज जो है अप टू 10 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 2.4 GHz। नंबर ऑफ कीज़ इसमें दिया गया है 6 और DPI स्विच जो है 800, 12,000, 16,000, 32,000। बैटरी कैपेसिटी जो दिया गया है इसमें 600 मिली एम्पीयर का। बैटरी लाइफ जो दिया गया है इसमें अबाउट 7 डेज। और यहाँ पर इम्पोर्ट डिटेल्स और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिया गया है। बैटरी लाइफ जो है अबाउट 7 डेज, ये डिपेंड करता है आपका यूजेस के ऊपर। हालांकि मैंने अभी 7 डेज इसको यूज़ नहीं किया, यूज़ करने के बाद पता चलेगा ये 7 डेज बैकअप देता कि नहीं देता है। बॉक्स जैसे आप ओपन करते हैं, सबसे ऊपर में आपको मिलता है एक डेटा केबल, जिसके मदद से आप इस माउस को चार्ज कर पाओगे। डेटा केबल जो इसमें दिया गया है काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें USB B टाइप जो डेटा केबल है वो यूज़ किया गया है। हालांकि B टाइप पोर्ट अभी एब्सोल्यूट हो चुका है, फिर भी इन्होंने बी टाइप का जो पोर्ट है यूज़ किया। यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है। यूज़र मैनुअल देखने में कुछ ऐसा है और इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है और साथ में बटन का फंक्शंस और कितना बटन्स इसमें दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स आपको मिलता है इसमें, और जो इनबॉक्स कॉन्टेंट है उसके बारे में दिया गया है। नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। प्रोडक्ट कितना टाइप के अवेलेबल है, ये विथ वायर, विदाउट वायर एंड वाईफाई विथ ब्लूटूथ, ये 3 टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो चलिए अब गेमिंग माउस जो है उसको निकालते हैं और ये देखिए गेमिंग माउस का लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्स है। और यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली मैट फिनिश है और लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा है। सबसे ऊपर पोर्शन में इसका ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाता है, जो कि मैट फिनिश है, और उसके साथ मेटल लुक्स भी दिया गया है। प्लास्टिक के ऊपर एक मेटल का लेयर चढ़ाया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हील जो इसका बनाया गया है, इसके प्लास्टिक के साथ रबर भी यूज़ किया गया है ताकि व्हील का ग्रिपिंग जो है वो अच्छा हो। सबसे ऊपर में जो क्लिक बटन है, दोनों के नीचे आपको एयर वेंट मिलता है। तो एयर वेंट ये मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टाइम आप यूज़ करते हैं तो उस जगह में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ये आप देख पा रहे हैं एयर वेंट इधर 4 दिया गया है, उधर में भी 4 दिया गया है। यहाँ पर जो बटन आपको दिख रहा है ये DPI बटन है। 4 तरह का DPI इसमें आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से DPI को जो है स्विच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में 2 बटन दिया गया है, एक बैक और फॉरवर्ड का बटन। वैसे आप गेम के साथ इसको कस्टमाइज कर सकते हो। राइट साइड में इसमें कोई बटन दिया गया नहीं है।
ग्रिपिंग की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग है। फिंगर्स के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ में एक सपोर्ट दिया गया है जो कि मेटल का आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा है। अगर दूसरा माउस के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो नॉर्मल माउस से ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है और हैंड ग्रिपिंग जो है काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट और राइट साइड में एक व्हील के जैसा डिज़ाइन आपको दिखने को मिलता है जो कि मेटल लुक में है, और नीचे लोअर पोर्शन में दो फिंगर रेस्ट के लिए पैटर्न दिया गया है जिसमें अगर आप माउस को मूव करते हो तो फिंगर वहां पर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये एक अलग टाइप का है जो कि नॉर्मली हर एक माउस में मिलता नहीं है। ये मेरे पास और एक दूसरा माउस है जिसमें अगर आप मूव करते हो तो उंगली आपका जो है वो माउस के साथ नीचे जो है मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ये माउस फिंगर रेस्ट का, तो जो नया चीज़ इसमें देखने को मिलता है वो है ये फिंगर रेस्ट के लिए पैनल। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वेट की अगर बात करते हैं तो इस माउस का जो वज़न है वो है 100 ग्राम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस माउस का अगर वज़न हम करते हैं तो 100 ग्राम इसका वेट आता है। यहाँ पर लोअर पोर्शन में जो यूएसबी डोंगल है वो अटैच किया हुआ है। इसको कनेक्ट करने के लिए जस्ट इसको आपको रिमूव करना है और लैपटॉप के साथ इसको या कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करना है। जैसे आप यूज़ में इसको प्लग करते हैं माउस अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ माउस को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया है जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा। इस माउस में टोटल 6 बटन आपको मिलता है, एक लेफ्ट राइट। इस माउस में टोटल 6 बटन आपको मिलता है, एक लेफ्ट राइट, और उसके बाद इसमें दिया गया है डीपीआई चेंजिंग बटन जिससे आप डीपीआई चेंज करोगे। उसके बाद आपको मिल जाता है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, हालांकि ये आप कस्टमाइज करोगे अपने आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिपेंड करके। और एक स्क्रॉल दिया है, स्क्रॉल के साथ एक बटन दिया गया है। माउस के जस्ट लोअर पोर्शन में एक बटन दिया गया है जिससे मदद से आप पावर ऑन और या ऑफ कर सकते हो, और इस बटन के मदद से आप लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे माउस को मैंने ऑन किया और लाइट्स ग्लो होना स्टार्ट हो गया, अभी ग्रीन कलर है। आप ये कलर को दो तरह से चेंज कर सकते हो, एक डीपीआई बटन के द्वारा कलर को चेंज कर सकते हो और नॉर्मल आप मल्टी कलर में इसको रख सकते हो। ये माउस में और एक खास बात है, जैसे आप डीपीआई बटन को प्रेस करोगे उसके हिसाब से जो कलर पैटर्न है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये माउस को 6 सेकंड ऑपरेट नहीं करते हो तो ये अपने आप स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा ताकि आपका जो बैटरी है वो सेव हो और लॉन्ग टाइम तक इसको आप यूज़ कर पाओ। इसका कलर इफेक्ट जो है मैं थोड़ा सा इसमें डार्क करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद अच्छा लगे, थोड़ा सा कलर का जो फील है वो आपको एक्चुअल में मिलेगा। तो ये मैं अभी थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लाइट्स का जो इफेक्ट्स है वो दिखना स्टार्ट हो गया है और ये अभी वाइट कलर में है। अब इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हो डीपी के बटन की मदद से, और ये नॉर्मली भी अपने आप ये मल्टी कलर में चेंज होता है। अब ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, यहाँ पर लुक्स कुछ इस तरह का है। मैंने डीपीआई बटन को प्रेस किया, ये देखिए वायलेट कलर का ये हो चुका है, अभी फिर अपने आप वाइट में कन्वर्ट हुआ। तो ये अपने आप कलर जो है इसका चेंजेस होता है। चार्जिंग के लिए फ्रंट की के नीचे एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट आपको इसमें मिलता है जिसके मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो साथ में डेटा केबल इसके ऑलरेडी दिया गया है, तो इस डेटा केबल को आप नॉर्मल कोई फ़ोन के चार्जर के मदद से इसको चार्ज कर सकते हो। जैसे आप इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करोगे यहाँ पर एक ब्लू लाइट है जो ग्लो करना स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर अभी स्टार्ट हो गया, यानी कि ये चार्जिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो चार्ज भी करने के लिए बहुत ईजी है, आपका जो मोबाइल चार्जर है आप उसको इसको यूज़ कर सकते हो चार्ज पर्पज़ के लिए। यहाँ पर ये देखिए माइक्रो यूएसबी दिया गया है, यूएसबी बी टाइप, इसको आप जैसे कनेक्ट करते हो चार्जिंग एलईडी जो है ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये चार्जिंग कंडीशन में है। माउस को पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए इसके साथ जो डोंगल दिया गया है जस्ट उसको आपको प्लग करना है पीसी के साथ और ये माउस जो है आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ये डोंगल कनेक्ट कर दिया है और ये माउस जो है कनेक्ट हो चुका है। डीपीआई के बारे में अगर आपको समझना है तो यहाँ पर ये देखिए माउस का जो मूवमेंट है, ये देखिए डीपीआई बटन जैसे प्रेस करते हो और मूवमेंट अगर आप देखोगे कर्जर को नोटिस करोगे तो उसका स्लो एंड फास्ट मूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, बट ये जो डीपीआई है ये जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे तब तक इसका डिफरेंसेस आपको पता नहीं चलेगा। ये ज़्यादातर काम आता है उन लोगों के लिए जो गेमिंग यूज़ करता है, जो एडिटिंग यूज़ करता है, उन लोगों के लिए डीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है।
अनदर वन थिंग, क्या ये डेटा केबल से कनेक्ट होगा? तो ये मैं माउस को डेटा केबल के साथ पीसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये माउस डेटा केबल में ऑपरेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए डेटा केबल के साथ माउस ऑपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें आप चार्ज जरूर कर सकते हो, यानी कि ये माउस सिर्फ डोंगल के मदद से ही चलेगा, ये डेटा केबल से आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब मैंडेटरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि आप ये गिवअवे जीत सकें।